हाँ जी, सॉरी बेटा, थोड़ा सा कनेक्शन वो इंटरनेट में इशू है या वैसे किसी सॉफ्टवेयर में इशू है, तो आई थिंक नाउ इट इज क्लियर। अब सबको आवाज आ रही मेरी? क्या आप सबको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी बेटा, आप सबको आवाज आ रही है? क्या सब लोग सुन सकते हैं मुझे? स्क्रीन मैंने शेयर की है, स्क्रीन आपको नजर आ रही है? मैंने बोर्ड अगर यूज करना हो, बोर्ड यूज करना हो तो इसको क्लिक करूंगा, बोर्ड पे रह जाऊंगा। ठीक है, ठीक हो गया। हाँ जी, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, हमारे पास अगर सर्विस कॉस्ट सेंटर्स दो के इक्वल हैं तो हम क्या करते हैं, हम रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड भी यूज कर लेते हैं। इक्वेशन मेथड नॉर्मली अप्लाई नहीं करते, लेकिन अगर हमारे पास सर्विस कॉस्ट सेंटर दो से ज्यादा है तो फिर हम रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड यानी बार बार रिपीट भी कर लेते हैं, और हम वहां से इसको इक्वेशन मेथड भी अप्लाई कर लेते हैं, इक्वेशन भी बना के उसको हम अप्लाई कर रहे होते हैं। तो यहां तक आई थिंक कॉन्सेप्ट सारा क्लियर है। एब्जॉर्प्शन पे मैं थोड़ी डिस्कशन करना चाह रहा था, एब्जॉर्प्शन पे डिस्कशन में कुछ करना चाह रहा था यहाँ पे। अच्छा, इसमें एक चीज, मैं थोड़ी सी बातें जो मैंने कल लास्ट टाइम सवाल में भी करवाया था बेटा, मैं थोड़ा वैसे क्लियर कर दूं आपको। एक बात, ये कुछ चीजें आपने हमेशा याद रखनी है, वो क्या है कि जितने भी हमारे पास सर्विस कॉस्ट सेंटर्स होते हैं, यानी प्रोडक्शन, हमारे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर एक थे प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स और दूसरे हमारे थे सर्विस कॉस्ट सेंटर्स। जितने भी हमारे पास सर्विस कॉस्ट सेंटर्स होते हैं उसकी जितनी भी कॉस्ट है, लाइक उसके अगर सर्विस कॉस्ट सेंटर में कोई डायरेक्ट मटेरियल है, सर्विस कॉस्ट सेंटर में कोई डायरेक्ट लेबर है, लास्ट एग्जांपल में भी हमने ये बात की थी, तो सर्विस कॉस्ट सेंटर की तो जितनी भी कॉस्ट होती है वो सारी सारी ओवरहेड होती है। यानी अगर सर्विस कॉस्ट सेंटर में वो बता रहा है हमारे पास कुछ डायरेक्ट मटेरियल है या कोई डायरेक्ट लेबर है, तो सर्विस कॉस्ट सेंटर की जितनी भी कॉस्ट होती है, ऑल टू ऑल जो कॉस्ट होती है वो फैक्ट्री ओवरहेड से ही होते हैं, तो वो हमें सारी की सारी उठा के प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर में ही ट्रांसफर करनी होती है। क्योंकि बेसिक एम यही होता है कि इन डिपार्टमेंट्स की जो कॉस्ट है वो कॉस्ट इन डिपार्टमेंट्स में बनाए जाने वाले यूनिट्स में हम एब्जॉर्ब करवा दें। सर्विस कॉस्ट सेंटर में तो कोई यूनिट्स नहीं बनते, तो हमने बात की थी कि ठीक है, जितने भी ओवरहेड हमने एलोकेशन की है, अपोर्शनमेंट की है, जितनी भी कॉस्ट हमारे पास सर्विस कॉस्ट सेंटर में गई होती है उसको हम री अपोर्शन करते हैं। तो मैं यही बात बता रहा हूं कि अगर सर्विस कॉस्ट सेंटर्स में कोई हमारे पास किसी भी किस्म की कोई डायरेक्ट कॉस्ट है, हमारे पास सर्विस कॉस्ट सेंटर में किसी भी किस्म की कोई डायरेक्ट कॉस्ट है, यानी ये हमारे पास प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स हैं और उसमें क्या है, मैन्युफैक्चरिंग है बेटा, असेंबली डिपार्टमेंट है, फर्निशिंग डिपार्टमेंट, ये क्या प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स है। फिर मेरे पास कोई स्टोर डिपार्टमेंट है, कोई मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, ये क्या है, हमारे पास सर्विस कॉस्ट सेंटर्स है। तो कोई डायरेक्ट मटेरियल भी अगर हमें दिया हो तो वो भी हम यहाँ लिखते हैं सर्विस कॉस्ट सेंटर में, सपोज 2000 का, यहाँ 3000 का। कोई डायरेक्ट लेबर भी अगर दी हुई तो वो भी सारी की सारी हम यहाँ पे मेंशन करते हैं, लाइक 8000 यहाँ पे, फिर 9000 यहाँ पे, फिर हम आगे एलोकेशन अपोर्शनमेंट रीअपोर्शनमेंट सब कुछ चलता जाता है, फिर अल्टीमेटली सबको टोटल करके हम इसको ट्रांसफर कर रहे होते हैं। तो कैसे ट्रांसफर करते हैं वो हम रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड बार बार रिपीट करते हुए, और वो हम यहाँ पे रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा इक्वेशन मेथड के थ्रू भी इसको ट्रांसफर कर सकते हैं जनाब। तो यहां तक आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर है, आई थिंक बेटा यहां तक कोई इश्यू नहीं होगा आपको। अब मैं चाह रहा था थोड़ी डिस्कशन करूं मैं एब्जॉर्प्शन के ऊपर, एब्जॉर्प्शन पे मैं कुछ डिस्कशन करना चाह रहा था कि एब्जॉर्प्शन कैसे कैसे करवाई जा रही होती है और उसको हम कैसे अप्लाई करते हैं, क्या यूज करते हैं, थोड़ी डिटेल में जाते हैं एब्जॉर्प्शन की हम। एब्जॉर्प्शन के ऊपर मैं जा रहा हूं,
चलें हम एब्जॉर्प्शन भी जाते हैं। एब्जॉर्प्शन में कुछ चीजें मैं क्लियर करना चाह रहा हूं आपको। हाँ जी, अगर तो एक कंपनी है, कंपनी का ऑपरेशन बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सादा ऑपरेशन है। एब्जॉर्प्शन को सब डिटेल में देखेंगे। अगर एक कंपनी है उसका सिंपल, बहुत सादा, बहुत सादा उसका सिस्टम, बहुत ही सिंपल सिस्टम है, और एक ही डिपार्टमेंट है, ओनली वन डिपार्टमेंट इज देयर। कंपनी का डिपार्टमेंट ही एक है, यानी कंपनी में ज्यादा डिपार्टमेंट है ही नहीं, कंपनी का डिपार्टमेंट ही सिंगल डिपार्टमेंट है और बहुत सिंपल डिपार्टमेंट है, यानी वन डिपार्टमेंट सिंपल मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन है। सिंपल मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन का मतलब क्या है कि कंपनी में एक ही तरह की प्रोडक्ट बनती है, कंपनी वही प्रोडक्ट बना के मार्केट में सेल कर रही होती है। तो वो प्रोडक्ट भी सपोज करें एक ही डिपार्टमेंट बनती है, और एक ही डिपार्टमेंट उसको बना के हम मार्केट में उसको सेल कर देते हैं। किसी भी प्रोडक्ट की एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो कोई आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं, वो प्रोडक्ट एक डिपार्टमेंट बनती है, वो डिपार्टमेंट बना के हम उसको मार्केट में सेल कर रहे होते हैं। वो प्रोडक्ट है ही बहुत सिंपल, उसको बनाने का ऐसा उसको इश्यू इतना नहीं आता। मैं उसको आसानी के साथ एक डिपार्टमेंट बनाता हूँ और बना के उसको मैं मार्केट में सेल कर देता हूँ। अब मैं एक ही प्रोडक्ट बनाता हूँ, एक ही प्रोडक्ट बना के उसको मार्केट में सेल करता हूँ, ज्यादा मेरे पास वैरायटी है ही नहीं, और उस एक प्रोडक्ट की ही मेरे पास ओवरहेड्स हैं, कोई और ओवरहेड्स भी नहीं है मेरे पास। तो मैं वो एक ही प्रोडक्ट बनती है और एक ही सिंपल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उस पर बनाया जा रहा होता है। तो अगर एक ही प्रोडक्ट है उसको बनाते हैं हम, तो एक ही हम एब्जॉर्प्शन का रेट यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। एब्जॉर्प्शन कैसे करेंगे, नहीं ओ ए आर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट हमने बात की थी, ये हम कैसे फाइंड करते हैं बेटा, ये हम लेते हैं बजटेड ओवरहेड, डिवाइड कर देंगे इसको हम बजटेड एक्टिविटी लेवल के साथ। जो बजटेड ओवरहेड लिए जाते हैं उसको डिवाइड करते हैं बजटेड एक्टिविटी लेवल से, तो हमारे पास ओ ए आर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आ रहा होता है। अगर एक ही सिंगल डिपार्टमेंट है मेरे पास, तो सिंगल डिपार्टमेंट के लिए मैं सिंगल ही एक बेस यूज कर लेते हैं। तो सबसे जो सिंपल बेस यूज होती है हमारे पास, वो नंबर ऑफ यूनिट्स बेस होती है, कि मैं कहूं कि मेरे इस एक सिंगल डिपार्टमेंट के ओवरहेड कितने हैं। सपोज वो 40,000 के ओवरहेड है, तो उसको एक ही बेस है, सपोज 10,000 यूनिट्स बनते हैं उसके अंदर, उसे डिवाइड करेंगे तो मेरे पास क्या रेट आ जाएगा, रेट रुपीज 4 पर आवर, ये लाइक मेरे पास रेट आ जाएगा। या मैं यूनिट से डिवाइड कर रहा हूं उसको, अगर मेरे पास एक ही बेस यूनिट्स है, यानी कि और बेस ही नहीं है, यूनिट से सबसे बेस्ट बेस होती है हमारे पास, इसको मैं रुपीज 4 पर यूनिट यूं कह लेता हूँ, कि एक यूनिट के लिए हमारे पास ओवरहेड्स कितने इनकर हो रहे हैं, रुपीज 4 के इनकर हो रहे होते हैं। कि हमारे पास एक ही सिंगल डिपार्टमेंट है, एक ही सिंपल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, वो एक ही प्रोडक्ट बनती है, वो मार्केट में सेल होती है, तो उसको बनाने के लिए जितने भी ओवरहेड्स हैं वो सारे ओवरहेड्स ले लेंगे, ओवरहेड्स को हम जितने भी यूनिट्स बनाए जाते हैं उसे डिवाइड करके रेट पर यूनिट हम बना के मार्केट में सेल कर रहे होंगे। ये यूं समझ लें, फॉर एग्जाम्पल यूं समझ लें कि हम कोई ऐसी प्रोडक्ट बनाते हैं, एसी बनाते हैं, एसी तो बहुत एडवांस प्रोडक्ट है, वो सिंपल सी इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट बनती है, तो इलेक्ट्रिक गैस के चूल्हे बना के सब मार्केट में सेल कर रहे होते हैं। तो वो एक ही डिपार्टमेंट है, वहां पे स्टील लगाया जाता है, स्टील लगा के वो प्रोडक्ट हम बनाते हैं और बना के उसको हम सेल कर देते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमने कहा पूरे एक सिंगल डिपार्टमेंट में कितने ओवरहेड लगाए जा रहे हैं, 40,000 के हमने ओवरहेड लगाए हैं, और उसका एक्टिव लेवल कितना है जनाब, उसमें 10,000 यूनिट्स हैं, डिवाइड किया तो रेट हमारे पास रुपीज 4 पर यूनिट निकला है। दिस इज कॉल्ड सिंपल सिंपल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अगर सिंपल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ही मेरे पास, और दूसरा नंबर 2, अगर मेरे पास मल्टीपल डिपार्टमेंट्स है, डिपार्टमेंट एक नहीं है, एक से ज्यादा है, अगर एक से ज्यादा डिपार्टमेंट है तो स्टिल फिर भी हम क्या कर सकते हैं, कोई एक बेस यूज कर सकते हैं। अगर मेरे पास मल्टीपल डिपार्टमेंट है, एक से ज्यादा डिपार्टमेंट है, तो मैं यहाँ पे ब्लैंकेट ओवरहेड रेट्स भी यूज कर सकता हूँ। यानी हम क्या करते हैं, तीन तरह के डिपार्टमेंट्स है, एक मैन्युफैक्चरिंग है, लाइक एक असेंबली है सपोज, एक फिनिशिंग है सपोज, ये तीन तरह के डिपार्टमेंट है, लेकिन तीनों में ऑपरेशन सेम ही होते हैं, एक ही तरह के ऑपरेशन के नीचे सेम है, ऑपरेशन के नीचे सेम है। इसमें ओवरहेड्स कितने, लाइक 40,000 है, इसमें कितने सपोज 50,000 है, इसमें कितने सपोज 45,000 है, ये क्या है, ये ओवरहेड्स है। अब ये ओवरहेड्स एलोकेशन अपोर्शनमेंट री अपोर्शनमेंट के बाद इतने आपको ओवरहेड्स दिए हुए, अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे बेस से। अब जब हम इसको हम बेस से डिवाइड करेंगे, वो कौन सी बेस हम यहाँ पे यूज करें, कौन सी बेस हम यहाँ पे अप्लाई करें, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो उसके लिए क्योंकि अगर ऑपरेशन के नेचर सेम है, तो हम एक
सिंगल रेट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। यानी हम सपोज ज्यादातर अक्सर जो हम ज्यादातर यूज कर रहे होते हैं सेम नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए, हम एक ही कोई रेट लाइक लेबर आवर्स यूज कर रहे होते हैं, तो हमने अब्सॉर्प्शन की बेसिस पढ़ी थी, नंबर ऑफ यूनिट्स भी बेस होती है, लेबर आवर्स भी बेस होती है, मशीन के आवर्स भी बेस होती है, हमारे पास मटेरियल कॉस्ट, वेजेस कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, ये सब कुछ हमें दिया होता है, हम इनके अकॉर्डिंगली इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो ठीक है, हमें एक ही बेस अगर दी हुई तो ठीक है, उस एक ही बेस से क्या करें, इसको हम सिंपली डिवाइड कर देंगे ना, जिसको भी मैं क्या करूंगा डिवाइड कर लूंगा सपोज 2000 लेबर आवर से, इसको भी डिवाइड कर दूंगा किसके लिए मैं सपोज 3000 लेबर आवर से, इसको भी डिवाइड कर दूंगा सपोज 1000 लेबर आवर से। सिंपल एक ही रेट से हम इसको डिवाइड करके हम एक रेट बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, क्योंकि ऑपरेशन की नेचर सेम है तो हम एक ही रेट यूज, मीन एक ही बेस लेबर आवर्स या मशीन आवर्स को एक सिंगल बेस इन तमाम डिपार्टमेंट से हम यूज कर रहे होते हैं। अगर मेरे पास मल्टीपल डिपार्टमेंट्स और नंबर टू उन तमाम डिपार्टमेंट्स के अंदर ऑपरेशंस की नेचर डिफरेंट है, तो फिर मैं ऐसा कर सकता हूँ कि किसी डिपार्टमेंट्स के अंदर मैं मशीन आवर यूज कराऊंगा, किसी डिपार्टमेंट एक डिपार्टमेंट ऐसा है कि वहां लेबर काम करते ज्यादा, लेबर के आवर्स ज्यादा यूज होते हैं तो मैं लेबर आवर से डिवाइड कर दूंगा, दूसरा डिपार्टमेंट ऐसा है कि वहां लेबर इस्तेमाल ही नहीं होती, सारा प्रोसेस ही मेरा ऑटोमेशन का है, प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली उस डिपार्टमेंट के अंदर बनती, तो फिर उस डिपार्टमेंट को क्या करेंगे, उस डिपार्टमेंट को हम मशीन आवर से डिवाइड कर रहे होंगे। इसी तरह कोई और प्रोडक्ट है तो वो मीन अब ये क्या है, हमारे पास मल्टीपल ऑपरेशन होते हैं, एक प्रोडक्ट जो होती है वो कई प्रोसेस से गुजर के बनती है, तो हर एक डिपार्टमेंट के अंदर डिफरेंट बेसिस यूज हो रही है, किसी में मशीन आवर ज्यादा है, किसी में लेबर आवर बेस बनती है, किसी में कोई और बेस हमें लाइक प्राइम कॉस्ट बनानी पड़ती है, तो इस तरह से डिफरेंट एब्जॉर्प्शन की बेसिस हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे होते हैं। तो ये डिफरेंट एब्जॉर्प्शन के बेसिस को हम अप्लाई करके इसको हम ट्रीट करते हैं, तो इसको हम ओएआर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट के थ्रू हम ट्रीट कर रहे होते हैं। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट से मैंने आज आपको कम्युनिकेट करना था। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, एक मेन और चीज बेटा, हम ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट के थ्रू हम ओवरहेड्स को अब्सॉर्ब करवाते हैं, एक और नाम अप्लाइड रेट भी बोलते हैं, कि ये रेट हमने अप्लाई करवा दिया। अब एक्चुअली जब ओवरहेड्स होते हैं, देखिए ये सारे हैं बजटेड ओवरहेड्स, ओएआर अगर आप फॉर्मूला भी देखें तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैसे हो रहा है, यहाँ पे ओवरहेड्स को मैं कैसे अब्सॉर्ब करवा रहा हूँ, फॉर्मूला देखें बेटा, इसमें एक हमने लिए हुए बजटेड ओवरहेड्स, इसको डिवाइड किया हुआ बजटेड बेस के साथ, ये दोनों चीजें क्या है, बजटेड है यानी एस्टिमेटेड है, दोनों चीजें क्या है, बजटेड है, एस्टिमेटेड है, एस्टिमेशन की बेस पे चल रहे हैं यहाँ पे हम, तो इसका जो रेट निकलता है लाइक सपोज मेरे पास ये रुपीज 4 आया हुआ, ये क्या है, ये एस्टिमेटेड है, ये बजटेड है, ये प्लान्ड है, तो हम बजटेड की बेस पे यानी एस्टिमेटेड एस्टिमेशन की बेस पे यहाँ पे चल रहे होते हैं, तो एस्टिमेशन की बेस पे जब हम चल रहे होते हैं तो इसलिए अब जब हम एक्चुअली ओवरहेड्स पे करेंगे तो एक्चुअली ओवरहेड्स कैन वेरी, चेंज हो सकते हैं एक्चुअल ओवरहेड्स, जब एक्चुअल ओवरहेड्स चेंज हो सकते हैं तो हमारे पास ओवरहेड जो है वो हो सकता है हमने अपनी एक्चुअली जो ओवरहेड इनकर किए तो हम कहेंगे या जो हमने प्लान या एस्टिमेटेड ओवरहेड रेट चलाया था वो रेट हो सकता है हमने ज्यादा एब्जॉर्ब करवा दिया हो या कम एब्जॉर्ब करवा दिया हो, ओवरहेड कैन बी अंडर एब्जॉर्ब कैन बी ओवर एब्जॉर्ब, तो कुछ भी इसमें हो सकता है। इसलिए फिर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे निकाल लेते हैं कि कितने ओवरहेड मैंने अंडर एब्जॉर्ब करवाए हैं, कितने ओवरहेड मैंने ओवर एब्जॉर्ब करवाए हैं, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, तो मैं चाह रहा था इसका मैंने एक क्वेश्चन भी डिस्कस करना था आपसे। हाँ जी, अच्छा जी, तो हम बात कर रहे हैं यहां पे, हम सबसे पहले क्या करते हैं, ओएआर निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं, वो हम लेते हैं बजटेड ओवरहेड्स और बजटेड बेस या एक्टिविटी लेवल कह लें आप। मैंने कहा बजटेड ओवरहेड्स कितने हैं ना, इस एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के, डिपार्टमेंट वाइज ये अलग अलग होता है, 50,000 के ओवरहेड्स, उसकी बेस क्या है, उसकी बेस है सपोज 10,000 मशीन आवर्स, उसे डिवाइड किया मैंने, 50,000 की कॉस्ट है, 10,000 मशीन आवर से डिवाइड किया, रेट क्या निकला मेरे पास, नेट निकला मेरे पास 5 पर मशीन आवर, ये 5 पर मशीन आवर मेरे पास रेट आ गया, ये क्या है, ये ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है, ओवरहेड इस रेट से एब्जॉर्ब होंगे। अब हम क्या करते हैं, यानी ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट को फिर मल्टीप्लाई करते हैं हम यहाँ पे एक्चुअल एक्टिविटी लेवल के साथ, कि मेरे पास एक्चुअल एक्टिविटी लेवल कितना, तो एक्चुअल एक्टिविटी लेवल से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास निकलते हैं यहाँ पे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, हमने इतने ओवरहेड एब्जॉर्ब करवा दिए।
मैं यहां से अगर माइनस करूं कि मेरे पास एक्चुअली आपने कितने ओवरहेड्स पे किए हैं, वो वैल्यू अगर यहां से माइनस करूं तो मेरे पास निकलेगा डिफरेंस। अगर वो डिफरेंस यहां पे पॉजिटिव वैल्यू आ रही है मेरे पास, जिसका मतलब है कि मैं ओवरहेड्स को क्या करवा रहा हूं, ओवर एब्जॉर्ब करवा रहा हूं, ओवर एब्जॉर्ब, उसका मतलब है मैंने ओवरहेड्स को ज्यादा एब्जॉर्ब करवा दिए, ओवरहेड्स को हमने ओवर एब्जॉर्ब करवा दिए। और अगर ये वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, दिस मीन्स हमने क्या किया है, अंडर एब्जॉर्ब। ओवरहेड्स क्या होंगे मेरे पास, अंडर एब्जॉर्ब हो रहे होंगे। तो लिहाजा इस तरह से हम क्या करते हैं, ओवरहेड्स को ओवर एब्जॉर्ब करवा रहे होते हैं और अंडर एब्जॉर्ब करवा रहे होते हैं। तो ओवरहेड्स यानी कि अगर ये मेरे पास 5 पर मशीन आवर आया तो 5 क्या है मेरे पास, इस रेट से मैं ओवरहेड्स को अब्सॉर्ब करवाऊंगा। इस एक डिपार्टमेंट में जो वो मशीन के घंटे लगे, मशीन के आवर्स चले, वो कितने मशीन के आवर्स चले, वो लग चले सपोज 1200 मशीन आवर्स, तो मल्टीप्लाई किया तो मैंने ओवरहेड्स को कितना अब्सॉर्ब करवाया यहाँ पे, क्यों जी कितने ओवरहेड्स, ये 12,000 कर लेते हैं चले, तो मेरे पास ये आ गया 60,000। तो मैंने ओवरहेड्स कितने अब्सॉर्ब करवा दिए, 60,000 के ओवरहेड्स मैंने अब्सॉर्ब करवा दिए। यानी जब मैं प्रोडक्ट बना रहा हूंगा तो मैं ये चेक करूंगा एक प्रोडक्ट यानी इस पूरे ऑर्डर को बनाने के लिए इस पूरे डिपार्टमेंट के अंदर मेरे पास कितने मशीन के आवर्स इनकर हुए। तो एक्चुअल जो मशीन के आवर्स इनकर हुए हैं वो कितने हैं, वो 12,000 है जनाब। तो 12,000 मशीन के आवर्स मल्टीप्लाई करके तो हमने एक्चुअल कॉस्ट निकाल ली कि हमारी जो हमने हमारी एब्जॉर्ब हुई है, जो हमने अपने कस्टमर को चार्ज कर रहे थे, वो कॉस्ट कितनी है, 60,000 है। एक्चुअली ओवरहेड कितने लग रहे हैं, एक्चुअली ओवरहेड जनाब सपोज कर लें 58,000 के हमने एक्चुअली पे किए। हमने कहा यार हमने तो चार्ज कर दिए कस्टमर को लाइक 60,000 और हमने पे किया, हमारी कॉस्ट एक्चुअली हो रही 58,000, तो 2,000 तो हमने ज्यादा कस्टमर को चार्ज कर दिया। दिस इज कॉल्ड ओवर एब्जॉर्ब। ये पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, दिस इज कॉल्ड ओवर एब्जॉर्ब। पॉजिटिव आएगा तो ओवर एब्जॉर्ब, अगर नेगेटिव आएगा तो वो अंडर एब्जॉर्ब। अगर पॉजिटिव आएगा तो ये ओवर एब्जॉर्ब है, ओवर एब्जॉर्ब है तो हमें प्रॉफिट होता है, हम प्रॉफिट में जाके इसको एड कर रहे होते हैं। ये यूं कर लें, हम इसको कॉस्ट में तो जाके माइनस कर रहे होते हैं, कॉस्ट और सेल में जाके माइनस कर रहे होते हैं। अगर अंडर एब्जॉर्ब हो रहा है तो इसका मतलब आपने कस्टमर को कम चार्ज किया, आपने अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट में कम एब्जॉर्ब किया है, कम एब्जॉर्ब किया आपको नुकसान हो जाएगा। या तो आप इसको प्रॉफिट में से माइनस कर दें, एक तो ये कि मैं इसको प्रॉफिट में से माइनस कर दूंगा, और दूसरा क्या है, मैं क्या करूंगा इसको, या फिर अपनी मैं कॉस्ट में एड कर दूं, तो मेरी कॉस्ट क्या है, मैं इसको कॉस्ट में इसको इंक्लूड कर दूं, कॉस्ट में इसको मैं शामिल कर दूं। तो दिस इज द बेसिक मेथड कि ये हमारे पास क्या है, हम इस तरह से इसको अप्लाई करते हैं, इस तरह से इसको हम ट्रीट कर रहे होते हैं। तो यहां तक बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर, क्यों जी यहां तक कोई इशू, एनी क्वेश्चन? हाँ जी, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, हम आगे चलते हैं। अब हमने देखना है कि ओवरहेड्स को हम कैसे अब्सॉर्ब करवाते हैं और इसको एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन को जरा इंप्लीमेंट करते हैं। आप सब लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बेटा रीड करेंगे, लाइक दिस क्वेश्चन, दिस वन, इस क्वेश्चन को बाकी सब लोग देखेंगे। 3.9 क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन बैंक से, मैंने क्वेश्चन लिया, यस आपके क्वेश्चन बैंक से मैंने क्वेश्चन लिया, इस सवाल को आपने देखना। रीड आउट करें सब लोग बेटा, लाइक इसको मैं फॉन्ट थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, फॉन्ट थोड़ा सा छोटा फॉन्ट करते हैं ताकि आपको ये क्वेश्चन क्लियरली नजर आए यार। ज्यादा छोटा हो गया,
आई थिंक ये ठीक रहेगा। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, हमें फाइंड करना है बजट ओवरहेड्स एप्लीकेशन रेट फॉर ईच डिपार्टमेंट, यानी ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालना आपने हर एक डिपार्टमेंट पे। यहाँ आपको तीन डिपार्टमेंट्स होंगे तो उनका रेट निकालेंगे पहले हम, फिर टोटल एंड डिपार्टमेंट एक्चुअल कॉस्ट फॉर ईच यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट, हमने एक्चुअल कॉस्ट निकालनी है हर एक प्रोडक्ट की हमारे पास। फिर देख बताना हमने कि कितना हमारे पास ओवर एब्जॉर्ब कितना है, अंडर एब्जॉर्ब कितना है, अंडर या ओवर का हमने यहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर करना। सब लोग इसको देखेंगे, ये हमें नहीं आ रही कि इनको आवाज आ भी रही कि नहीं जा रही, सब लोग क्वेश्चन को देखेंगे जनाब। ठीक है ठीक है। अच्छा कुछ बच्चों ने सवाल किया हुआ मुझे यहाँ पे, अच्छा मैं क्वेश्चन को आंसर कर दूं बेटा। एक सवाल ये है कि प्रॉफिट में, अच्छा मैंने अभी बात की थी आपको, अच्छा बच्चे ने एक ने कहा कि प्रॉफिट में कैसे ऐड करना है, इसको बाद में रिपीट करना, ठीक है। अभी कहते सर एक डिपार्टमेंट से अब्सॉर्ब करना है, ठीक है सर ये सारा कुछ एक डिपार्टमेंट, हाँ ये सब कुछ एक डिपार्टमेंट के लिए करना है हमने, बिल्कुल जितने डिपार्टमेंट्स हैं हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग हमारे पास ओवरहेड अब्सॉर्प्शन रेटिंग लेगा। ठीक है अच्छा बच्चों कुछ सवाल बड़े मुझे नहीं है, स्क्रीन बाजू पर नजर नहीं आती जब आप क्वेश्चन करते हैं ना, मैं लाइक यहां से ऑप्शन जाके मैं क्लिक करके चेक करता हूँ आपके क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। खैर है तो मैं भी आपको आंसर कर देता हूँ उसमें, थोड़ा सा मैं रिपीट कर दूं उसमें, अब मैं वापस जाता हूँ उसको रिपीट करता हूँ, ठीक है फिर आपको ये और चीज को क्लियर हो जाएगी। एक बच्चे ने सवाल पूछा हुआ सर ये 58,000 वाया पॉइंट रिपीट कर दें, ठीक है जो अज्यूम किया है आपने, ठीक है मैं अभी रिपीट कर देता हूँ। इस पे थोड़ा वापस आते हैं हम यहाँ पे, यहां मैंने क्या किया हुआ है, अच्छा ये 58, अच्छा ठीक है मैं बता देता हूँ आपको, भी ये हमें सब कुछ दिया होगा सवाल के अंदर। पहली बात तो ये है बेटा ये जितना कुछ भी हो रहा है ये एक डिपार्टमेंट में हो रहा है, यानी अज्यूम कर लें कि हम यहाँ पे किसी एक डिपार्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये सब कुछ किसी एक सिंगल डिपार्टमेंट में हो रहा है, यानी ये कह लें कि ये तीन अंडर या ओवर एब्जॉर्ब तीनों डिपार्टमेंट्स के अलग अलग निकलेंगे। ये जो एक प्रोसेस मैंने एक डिपार्टमेंट में किया ऐसे ही आप दूसरे डिपार्टमेंट में ऐसे तीसरे में करेंगे, यानी हर एक डिपार्टमेंट में हम क्या करते हैं सबसे पहले एलोकेशन करते हैं, फिर अपोर्शनमेंट करते हैं, फिर रीअपोर्शनमेंट करते हैं, फिर एब्जॉर्प्शन करते हैं। एब्जॉर्प्शन में हम उस डिपार्टमेंट के सारे ओवरहेड्स लेते हैं, उस डिपार्टमेंट की बजट एक्टिव लेवल क्या है, वो जो मशीन आवर हो सकती है, लेबर आवर हो सकती है, कोई भी बेस हो सकती है, हम उस डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स को उस डिपार्टमेंट की बेस से डिवाइड करके उस डिपार्टमेंट का रेट निकाल लेते हैं। यानी यहां पे जो इस सवाल के अंदर इस सवाल में मेरे पास जो रेट आया हुआ बेटा, ये रेट मेरे पास इस एक डिपार्टमेंट का आया हुआ, ठीक है ये रेट मेरे पास इस एक डिपार्टमेंट का रेट है 5, ये 5 मैंने रेट यहां पे यूज किया हुआ है, ये दिस इज अ 5 मेरे पास ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है। अब ये 5 मैंने रेट यूज कर लिया, ठीक है अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब 5 मैंने रेट इस एक सिंगल डिपार्टमेंट का कैलकुलेट किया है, अब 5 को मैंने क्या किया है, 5 निकला कैसे था, बजट ओवरहेड डिवाइडेड बजट मशीन आवर्स, बजट मशीन आवर से मैंने डिवाइड करके ये रेट निकाला हुआ, तो बजट मशीन आवर से डिवाइड करके मैंने जब ये रेट निकाला तो ठीक है अब मैंने क्या करना है, जब रेट निकलाएगा रेट को मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल मशीन आवर्स, इस डिपार्टमेंट को जब मैं एक्चुअली काम करूंगा तो एक्चुअली कितने मशीन के आवर्स दिए तो वो यहाँ यूज किए जाएंगे, हमें सवाल में दिए होंगे कि एक्चुअल मशीन आवर कितने हैं, और यहाँ 12,000 मैंने मल्टीप्लाई किया तो 60,000 मेरे पास आ गया। अब दूसरी सवाल है कि एक्चुअल ओवरहेड इस डिपार्टमेंट कितने, 58,000 ये भी दिए होंगे, जब 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 मैं इस क्लाइंट का इस कस्टमर का ऑर्डर पूरा कर दूंगा तो मैंने एक्चुअली कितने ओवरहेड्स की कॉस्ट पे की, कितना इलेक्ट्रिसिटी का बिल दिया, कितना गैस का बिल दिया, कितने ओवरहेड, तो मैंने इस डिपार्टमेंट के मेरे पास एक्चुअल ओवरहेड्स निकलेंगे कि मैंने एक्चुअली इस पूरे डिपार्टमेंट में कितनी कॉस्ट पे की, वो कॉस्ट निकाल लूंगा एक्चुअल ओवरहेड्स। तो फिर मैं कहूंगा यार मैंने किस तरह से इसको एब्जॉर्ब करवाया यूनिट्स के अंदर, तो मैंने कहा मैंने 5 पर मशीन आवर रेट से एब्जॉर्ब करवाया, तो ठीक है मैंने कहा मैंने फिर कितने मशीन आवर लगाए हैं, कितनी प्रोडक्ट में कॉस्ट शामिल होगी, तो मैंने कहा इस डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट हमारे प्रोडक्ट में शामिल हुई है वो 60,000 है, हम कहेंगे मैंने तो एक्चुअली पे किया 58,000, इसका मतलब मैंने फिर कॉस्ट में ज्यादा शामिल कर दिया, यानी कस्टमर को जब मैं चार्ज करूंगा ज्यादा चार्ज कर दूंगा,
तो यहाँ 60,000 कस्टमर को चार्ज कर दूंगा मैं, जबकि मैंने एक्चुअली जो पे किया वो 58,000 पे किया। इसका मतलब मैंने कस्टमर की उस प्रोडक्ट में जो कॉस्ट एब्जॉर्ब कराई वो ओवर एब्जॉर्ब करवा दी, ज्यादा एब्जॉर्ब करवा दी। तो जब भी कभी आप कॉस्ट को ओवर एब्जॉर्ब करवाएंगे तो आपको फायदा होगा, तो फायदा होगा तो ये आपका प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट को कैसे ट्रीट करना है, तो मैंने एक आइडिया दे दिया आपको कि या तो आप इस प्रॉफिट को क्या करेंगे, अपनी इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट सीधा जाके ऐड कर दें, या फिर अपनी कॉस्ट में से माइनस कर दें कि कॉस्ट जो है आपकी वो जो आपने 60,000 शामिल की वो 60 नहीं है, उसमें 2,000 माइनस कर देंगे 58 हो जाएगी। तो या प्रॉफिट में ऐड कर देंगे कॉस्ट में, नॉर्मली हम कॉस्ट में इसको माइनस करते हैं। इसी तरह से अगर हम अंडर एब्जॉर्ब करवाते हैं कस्टमर को, अगर हम कोई प्रोडक्ट की कॉस्ट कम चार्ज करते हैं, अगर हम किसी भी किस्म की कोई भी कॉस्ट कस्टमर को कम चार्ज करेंगे तो अंडर एब्जॉर्ब करवाएंगे। जब भी कभी हम अंडर एब्जॉर्ब करवाते हैं तो फिर क्या होता है हमारे पास, हमें नुकसान होता है। हमने कस्टमर को प्रोडक्ट की कॉस्ट कम चार्ज की है तो नुकसान होगा, तो लॉस होगा, तो लॉस को हम अपने प्रॉफिट में से माइनस करेंगे, या तो हम उस लॉस को प्रॉफिट में से माइनस कर दें या फिर उसको हम जाके अपनी कॉस्ट में ऐड कर दें। वी कैन डू एनीथिंग, इसके अकॉर्डिंग इसको हम ट्रीट कर देंगे। अच्छा, एक और सवाल है, टोटल एलोकेशन ओवरहेड्स और एक्चुअल ओवरहेड्स डिफरेंट है। अच्छा, टोटल एलोकेशन ओवरहेड्स, अच्छा अच्छा बेटा, ये टोटल एलोकेशन मीन एलोकेशन अपोर्शनमेंट रीअपोर्शनमेंट एब्जॉर्प्शन करने के बाद इस डिपार्टमेंट के टोटल ओवरहेड्स निकलेंगे, उसको एक रेट के थ्रू हम एक यूनिट की कॉस्ट में एब्जॉर्ब करवाएंगे। जैसे मैंने अभी रेट निकाला हुआ 5 पर मशीन आवर, इसको एक्चुअल मशीन आवर से मल्टीप्लाई करेंगे 12,000 से, तो ये एब्जॉर्ब ओवरहेड्स है, यानी अप्लाइड ओवरहेड्स कितने हैं मेरे पास, 60,000 है। मैंने जो अप्लाई करवा दी है प्रोडक्ट की कॉस्ट में वो 60,000 मैंने अप्लाई करवा दी, ये एब्जॉर्ब है। और एक्चुअल ओवरहेड्स डिफरेंट ही होते हैं, हमेशा याद रखे बात, क्यों, क्योंकि ये सब कुछ बजटेड चल रहा है, एस्टिमेटेड चल रहा है। यूं समझ ले कि मैं एक प्रोडक्ट बना के, मैं कुर्सी बना के मार्केट में कुर्सियां बना के सेल करता हूं यार, अब कुर्सियां बनाने के लिए कितनी कॉस्ट लगती है, ये तो जब एक्चुअली कुर्सी बनाऊंगा फिर ही पता चलेगा। तो मैंने, मेरे पास कस्टमर आ गया तो मैंने एडवांस में उसको पहले से बताना होगा मेरी प्राइस क्या है, तो उसके लिए मुझे पहले से एस्टिमेट करना है मेरी कॉस्ट क्या है, और कॉस्ट का एस्टिमेट करने के लिए मैं ओवरहेड्स एस्टिमेट कर रहा हूं। तो ओवरहेड्स आप स्टार्ट में एस्टिमेट कर रहे होते हैं, तो ओवरहेड्स हमेशा हम बिगिनिंग में एट द स्टार्ट हम उसको एस्टिमेट करते हैं। तो वो एस्टिमेट ओवरहेड्स को जब हम कर रहे होते हैं तो कैसे करते हैं, इसको बजटेड ओवरहेड्स, बजटेड एक्टिव लेवल, बजटेड की बेस पे सब कुछ चल रहा होता है। तो लिहाजा ओवरहेड जो कुछ भी ओवरहेड्स में हो रहा होता है ये सब एस्टिमेटेड होता है और बजट की बेस पे चल रहा होता है, कोई चीज इसमें एक्चुअल नहीं होती यहाँ पे। तो इसलिए जब हम ओवरहेड्स को एस्टिमेटेड की बेस पे एब्जॉर्ब करवाते हैं, तो प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल करवाते हैं और फिर देखते हैं यार कस्टमर को हमने ये प्राइस बताई है, हम तो इस हिसाब से चल रहे हैं। जब पूरा कस्टमर का ऑर्डर बाद में हम पूरा करते हैं, कंप्लीट करते हैं, बाद में एक्चुअली चेक करते हैं यार हमने कॉस्ट कितनी शामिल करवाई थी, कितनी एब्जॉर्ब करवाई थी एक प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर, और एक्चुअली हमें पे कितना करना पड़ा, तो हमारी जो एज्यूम्ड या एब्जॉर्ब कॉस्ट और हमारी एक्चुअल कॉस्ट में फर्क आ रहा होता है, तो उसको हम नाम देते हैं कि यार ये हमारे पास क्या है, अंडर ये ओवर एब्जॉर्ब हो गया, हमने ज्यादा एब्जॉर्ब करवा दिए, ये कम एब्जॉर्ब करवा दिए, उसका हमें प्रॉफिट या लॉस आ रहा होता है। इज इट क्लियर, यहां तक बात समझ में आ गई बेटा आपको? कोई और सवाल? हाँ जी, कोई और सवाल? किसी बच्चे को किसी सवाल का, पिछले सवाल का आंसर ना मिला हो तो, मुझे बस स्क्रीन में ये चीज नजर नहीं आ रही थी बेटा। चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इस एग्जांपल में आपको ना करके देता हूं, फिर मैं सवाल पे आता हूं। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम यहां पे। चलो एक एग्जांपल में मैं सबसे छोटी कराता हूं आप। लें जी आपने एग्जांपल एक सॉल्व करनी बच्चे, सारा कुछ में आ गया। एक मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, एक असेंबली डिपार्टमेंट है और एक फिनिशिंग डिपार्टमेंट, ये तीन डिपार्टमेंट यार, ठीक हो गया। बजटेड ओवरहेड यानी एलोकेशन अपोर्शनमेंट रीअपोर्शनमेंट हो चुकी है। बजटेड ओवरहेड इसके कितने हैं, इसके हैं बजटेड ओवरहेड 50,000, इसके कितने हैं कोई 20,000, इसके कितने हैं कोई 30,000, ये मेरे पास क्या है बजटेड ओवरहेड। अच्छा जी, अब और क्या दिया हुआ आपको, और आपको दिया हुआ बजटेड मशीन आवर्स, बजटेड मशीन आवर्स कितने हैं, बजटेड मशीन आवर्स यहाँ पे 2000 है, यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे 7000 है। चले ये आपको, ये भी मैंने दे दिए,
अब मैं आपको दे रहा हूं, चलें एक्चुअल मशीन आवर्स, ये एक्चुअल अब आपको दे रहा हूं, एक्चुअल मशीन के आवर्स कितने हैं। एक्चुअल मशीन आवर्स के आवर 1800 है, कोई सपोज कर लें कि 1200 है, कोई सपोज कर लें कि 6300 है, चलो 6300 कर लें। चले ये एक्चुअली नहीं, आप करेंगे क्या, बजटेड ओवरहेड्स को बजटेड एक्चुअल से डिवाइड करेंगे, आपके पास ओएआर निकलेगा, ओएआर को आप एक्चुअल मशीन आवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड निकलेंगे। अब एक्चुअल ओवरहेड्स भी मैंने आपको दे दिए, चले एक्चुअल ओवरहेड्स मैंने आपको दे दिए जनाब, ये एक्चुअल ओवरहेड्स हैं, कितने लगाए जा रहे हैं यहां, कोई 61,000 के हैं, यहां कोई सपोज कर लें 35,000 के हैं, यहां कोई 20,000 के हैं। तो बताएं मुझे ओवरहेड्स अंडर एब्जॉर्ब हुए हैं, ओवर एब्जॉर्ब हुए, तीनों डिपार्टमेंट्स को निकाले। सबसे पहले मुझे एम डिपार्टमेंट यानी मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को निकाल के दिखाएं, जल्दी करें। हरिया तीनों डिपार्टमेंट्स की ओएआर निकालेंगे, सबसे पहले ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट तीनों डिपार्टमेंट्स की कितने आ रहे हैं, हाँ जी बेटा मैन्युफैक्चरिंग का रेट बताएं, क्या रेट आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग का, असेंबली का, फिनिशिंग का, तीनों का रेट बताएं सबसे पहले मुझे। मैन्युफैक्चरिंग का रेट 25 है एंड 1600 अंडर एब्जॉर्ब है। हाँ जी चेक करें बाकी सब लोग ऐसा ही है, 50,000 को डिवाइड किया 2000 से 25 का रेट आ रहा है, 25 को मल्टीप्लाई करना आपने 1800 के साथ, एक बच्चे ने कहा सर आप सॉल्व कर दें, समझ नहीं आ रही। देखिए बेटा मैन्युफैक्चरिंग यानी एक में सॉल्व करता हूं, बाकी दोनों फिर आपने ट्राई करने हैं, ठीक है, एक में भी सॉल्व करता हूं। अच्छा जी तो क्या करते हैं यहाँ पे, हमने सबसे पहले ओएआर निकालना होता है, तो ओएआर क्या होता है हमारे पास, बजटेड एक्चुअल लेवल हम लेते हैं यहाँ पे। अच्छा जी एक मिनट बेटे सब लोग गौर से देखेंगे, हम क्या लेंगे सबसे पहले ओएआर, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। सो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, जरा मैं इसको थोड़ा कर दूं, एक मिनट आ जाओ, चलें अब कर लेते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे ओएआर, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, वो कैसे फाइंड करते हैं, हम लेते हैं बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल। हाँ जी बजटेड ओवरहेड्स कितने हैं हमारे पास, अगर मैं एक डिपार्टमेंट खाली पहले मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो इसके ओवरहेड्स है 50,000, दिस इज द बजटेड ओवरहेड्स, तो ये 50,000 के ओवरहेड्स हैं डिवाइड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल कितना है, वो 2000 मशीन के घंटे हैं, ये बजटेड एक्टिव लेवल है। तो रेट क्या निकला हमारे पास, 25 पर मशीन आवर, ये रेट निकला है, ठीक हो गया। अब ये रेट निकला है, अब नेक्स्ट फॉर्मूला मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट इसके बाद हम क्या करते हैं, एक मिनट सर जस्ट एक मिनट, मैं चाह रहा हूँ कि ये भी साथ चल रहा, चलें इसी में कर देता हूँ। हाँ जी अभी ओएआर को हम क्या करते हैं यहाँ पे, ओएआर ओवर एब्जॉर्प्शन रेट, इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम एक्चुअल एक्टिविटी लेवल के साथ, तो हमारे पास अप्लाइड या अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स आते हैं।
यहां से माइनस करते हैं कि हमने एब्जॉर्ब तो इतना करवाया, एक्चुअली कितना पे किया, तो हमारे पास डिफरेंस आ रहा होता है। तो क्या करेंगे, यहां भी बेटा क्या करेंगे हम, तो इसको ये लेता हूं, ये रेट कितना निकला मेरे पास 25 का, तो 25 इज ओवर एब्जॉर्प्शन रेट, मल्टीप्लाई किया इसको एक्चुअल एक्ट लेवल, एक्चुअल कितना दिया था मेरे पास 1800 था, 1800 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको तो ये एक्चुअल आ जाएगा। अब ये क्या है कि ये 18, ये जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा इसे क्या बोलते हैं, ये फिगर आएगी, दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, इसे क्या बोलते हैं, ये अप्लाइड ओवरहेड कहने चले, ये आपके अप्लाइड ओवरहेड है, ये एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड है। अब एक्चुअली कितनी कॉस्ट इस पूरे डिपार्टमेंट की आपने पे की, ये भी दी हुई है, एक्चुअल पूरी इस डिपार्टमेंट कॉस्ट 61,000 है, वो 61,000 आपको दिया हुआ है यार, इसको मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आती है वो 61,000 वहां से माइनस कर ले, अगर वो वैल्यू पॉजिटिव है तो ओवर एब्जॉर्ब, अगर वो वैल्यू नेगेटिव है तो अंडर एब्जॉर्ब। तो 1800 को मल्टीप्लाई करें बेटा 25 से, सुबह बेटा अप्लाई करें 1800 लें, 1800 को मल्टीप्लाई करना आपने 25 के साथ, 1800 मल्टीप्लाई 25 तो क्या आ रहा है मेरे पास 45,000, तो 45,000 आ गया मेरे पास, मैंने इतना कस्टमर को चार्ज किया, एक्चुअली कॉस्ट बहुत ज्यादा है यार मेरे पास, तो कितना आ रहा है 16,000, मैंने क्या करवा दी यहाँ पे, नेगेटिव आ रहा है तो अंडर एब्जॉर्ब हो जाएगा मेरे पास 16,000 अंडर एब्जॉर्ब है। हाँ जी, बाकी सब सेकंड पार्ट देखें बेटा, बाकी सब लोग सेकंड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट देखें, जिन्होंने नहीं सॉल्व किया वो करेंगे तो ट्राई करेंगे, अरे जिनसे सॉल्व नहीं हुआ वो ट्राई करेंगे। हाँ जी बेटा, सबको ये बात समझ आ गई है, तीनों 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 पार्ट सॉल्व करें जल्दी क्विकली। ये जो मैं खुद से एग्जांपल करवाता हूँ ना, कि आपके पास पेपर के अकॉर्डिंग मैं देख रहा होता हूँ कि यार आज तो सवाल कैसा दे रहा हो, उस तरह की एग्जांपल उठा के मैं खुद बनाता हूँ ताकि उसमें चला दूं सब कुछ। यहां तक कोई इशू, यहां तक कोई इश्यू बेटा, एनी क्वेश्चन, अब ये जो सारा कुछ हमने किया देखें, ये जो मैं रेट निकालू ना 25 रेट निकाला या जो भी रेट, इस रेट के थ्रू हम एक यूनिट के अंदर एब्जॉर्ब करवा देंगे, फिर बाद में जाके हम चेक करेंगे यार हमने एब्जॉर्ब तो इतना किया, एक्चुअली ये कॉस्ट लग रही है, तो फर्क बाद में हम डिफरेंस निकाल लेते हैं इसके। ठीक हो गया, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा। अब आपने क्या करना है, ये वाला सवाल देखना है यार, ये मैंने अभी सॉल्व करवाना था, टाइम फिर कम हो गया, ये सवाल देखना है अभी आपने, अभी देखिए मैं इसको कल डिस्कस करवाऊंगा, मैं इसको सॉल्व करूंगा पूरा, क्योंकि ये प्रॉपर होना चाहिए, इसमें काफी चीजें कवर हो रही है, ये क्वेश्चन मैंने करवाना ही करवाना है आपको। मैं एक आपको वैसे आईडी दे दूंगी, 3.9 है, ये भी मैं कल करवाऊंगा आपको, ठीक है बेटा, ये तो मैंने करवाने करवाना है आपको, इसके अलावा मैं कुछ और सवाल भी आपको बताने जो मैंने करवाने हैं, आप उसको ट्राई कर लीजिएगा, आई विल सॉल्व देम। चलिए मैं एक कुछ सवाल आपको करने को दे देता हूँ, चलो क्वेश्चन बैंक के 3.9 है, 3.7 और 3.8 इसके पीछे वाले क्वेश्चन, 3 point मैं यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, एक मिनट दोस्तों, एक मेरे पास क्या है 3 point क्वेश्चन बैंक से आपने लेना है, 3.7 है और क्वेश्चन बैंक से ही आपने 3.8 है, ये दो सवाल आप होने आसान है, हो जाएंगे, मैं थोड़ा डिस्कस भी करूंगा कल, हो जाएंगे, ये सवाल जो था ये फुल फ्लेज्ड मैं चाह रहा था मैं खुद करवाऊँ आपको,
उसमें सारी चीजें आ रही है, वो दो सवाल आपने देखने हैं। बाकी बुक से मैं थोड़ा रीड आउट करवाना चाह रहा था कि ये क्या होता है अब्सॉर्प्शन रेट क्या होता है, लेकिन हमने डिस्कस तो कर लिया। बरफ ये क्वेश्चन में क्या है, इस सवाल में क्या है, इस सवाल की अगर आप रिक्वायरमेंट देखें तो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, क्या रिक्वायरमेंट है इसकी, कहता बजटेड ओवरहेड एप्लीकेशन रेट फॉर ईच डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट को ओएआर निकालना, कैसे निकालना, ये बेस दी हुई यहाँ पे, क्या बेस दी हुई, जैसे आपको ये बताया था कि डिपार्टमेंट ए में क्या बेस है मशीन आवर्स, डिपार्टमेंट बी में क्या बेस है लेबर आवर्स, डिपार्टमेंट सी में क्या बेस है परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट, ये सब में बेस दी हुई हो, ठीक है। एक बच्चे ने कहा है सर होमवर्क रिपीट करने, बेटा 3.8 और 3.7, ये 3.9 मैं करवा रहा हूं ना आपको एग्जांपल, इससे पिछली दो एग्जांपल, क्वेश्चन बैंक में 3.7 है और क्वेश्चन बैंक में 3.8 है, ये दो पिछली एग्जांपल्स हैं, ये आप होम क्वेश्चन बैंक में दो ये आप देखेंगे, तो ये इसका एडवांस है 3.9, ये मैं करवा रहा हूं आपको, ये मैं कल करवाऊंगा आपको, ये करवाऊंगा उन क्वेश्चन में भी डिस्कस करूंगा कोई बात रहेगी अगर। इसके अलावा और क्या है, आई थिंक यही है बस। क्वेश्चन बैंक से आपने 3.1 भी देखना था, मैंने आपको शुरू में कहा था आसान से सवाल है, 3.1 3.5 वो भी देख लीजिएगा, आसान है हो जाएंगे 3.1 और 3.5 3.1 आसान है, ब्लैंकेट रेट लग रहा होगा 3.5 ट्राई कीजिएगा कल, ठीक है, घर में बैठ के ट्राई कीजिएगा, सब लोग ट्राई करेंगे, ये एक जो सवाल मैं ये करवाऊंगा इनमें से भी एक आध करवाऊ दो तीन मैं करवाऊंगा तो काफी हद तक ये एरिया कवर हो जाएगा। सवाल 3.9 ये मैं आपको कल बैठाते साथ सॉल्व करवाऊंगा, और जो मैंने सवाल दिए इनमें जो मसले होंगे वो भी डिस्कस करूंगा, एक और सवाल भी मैं कुछ अच्छा से निकालूंगा कोई जिसमें कोई और चीजें, दो तीन सवाल हम कल डिस्कस कर लेंगे, तो हमारा टॉपिक वैसे तो खत्म हो चुका है, ओवरहेड यही था, ओवरहेड में है क्या, ये चार स्टेप ही है, एलोकेशन अपोर्शनमेंट रीपोर्शनमेंट और एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन की थोड़ी डिटेल है हमारे पास, और फिर हम लाइक रीअपोर्शनमेंट की थोड़ी डिटेल है, तो दो मैथड्स कौन कौन से होते हैं, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और इक्वेशन मेथड, उसके लिए मैंने क्वेश्चन बैंक से भी एक क्वेश्चन दिया था आपको रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, आसान था सवाल, देख तो वही था जो मैंने आपको स्टडी टेक्स से जैसे एग्जांपल्स करवाए थे, देख तो वैसे ही सवाल था क्वेश्चन बैंक में भी। टॉपिक तो खत्म हो चुका है, लेकिन हम कल क्या करेंगे इसके क्वेश्चन करेंगे ना, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस वो विल डू टुमारो, सो आई थिंक फॉर टुडे दिस इज सफिशिएंट, आज के लिए काफी है बेटा। बच्चा कह रहा है सब 3.3 हो गया था, ठीक है आसान सवाल तो हो गया, गुड इंशाल्लाह बेटा हम कल कंटिन्यू करेंगे और अच्छे सवाल देखेंगे जिसमें ये सारी चीजें अप्लाई हो रही हैं और कवर हो रही है हमारे पास, सो फॉर टुडे दिस इज सफिशिएंट, सो थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू।